Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. So here I'm back with another vlog. So देखिए तो भीड़ में आज मैं कह रहा हूँ स्टार्ट किया है मेरा ब्लॉग, तो मैंने यहाँ एग्जीबिशन में आया हूँ, तो वही आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा. बहुत सारा मतलब आज फन होने वाला है, बहुत इन्जॉय करने वाले हैं. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. सब लोग मुझे बहुत घूर के देख रहे हैं, लेकिन देखने दीजिए चैलेंज मैंने लिया आज. तो अंदर जाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया टिकट. टिकट ज़्यादा महंगा नहीं था, 30 रुपीज़ का था. फिर बहुत मतलब लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा था सबको. इतनी देर में ये वाली लाइन लगी, तो मैं सोच रहा था कि इतनी देर में क्यों टिकट मिल रहा है, ऐसा क्या हो रहा है. फिर जब मुझे मेरा नंबर आया तो मुझे पता चला, मैं मुझे देखा ये दो दो तीन तीन बार गिन रही थी. इतना कन्फ्यूज़ हो रही थी कि कितने टिकट देने हैं. फिर फाइनली इन्होंने टिकट मुझे दे ही दिया. फिर देन अब चलिए आप लोगों को ले चलते हैं अंदर और दिखाते हैं सब कुछ. यहाँ पे आए हैं मतलब इन्जॉय करने के लिए, ऑब्वियसली इन्जॉय करने के लिए आए हैं. लेकिन झूले यहाँ पे जैसे कि काफ़ी सारे हैं, तो सबसे पहले कौन सा झूला झूले ये सोचने से पहले कि ये मैं सोचता. और यहाँ पे जिसके साथ में मतलब मैं आया हूँ फैमिली के साथ, तो वो फैमिली शॉपिंग पे लग गई है. और मेरे लिए कोई भी वो नहीं है कि कब झूला झूलना है या कब जो भी इन्जॉयमेंट करने आए हैं वो करें. सो यहाँ पे देखिए सब लोग मतलब वो लोग शॉपिंग कर रहे हैं सब, और मैं यहाँ पे अकेला खड़ा हूँ. और अब इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब झूला झूलने चलेंगे और मज़ा करेंगे. फ्रेंड्स ये देखिए ये वाला चश्मा मैं गॉगल्स ले रहा था, लेकिन पता नहीं मुझे उस टाइम क्या हुआ, मैं बहुत जल्दी में था. मैंने कहा अरे बाद में आके ले लेंगे, और फिर वो बाद आया ही नहीं और मैं भूल गया. अब अफसोस हो रहा है एडिटिंग करने के लिए क्यों नहीं लिया. अम्मा ये बताओ कौन सा झूला झूले सबसे पहले. कोलंबस. तो चलो शॉपिंग करने आप लगी सब लोगों के साथ, हम दोनों चले झूलने. इन लोगों को रहने दो, ठीक है चले. तो सबसे पहले कोलंबस झूलते हैं. तो फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं कोलंबस झूले का जो है वो टिकट लेने. वो पर पर्सन टिकट था 60 रुपीज़ का. सो वो हमने टिकट लिए, 4 टिकट्स लिए थे. सो हम लोग जा रहे हैं कोलंबस पे बैठने, झूले पे बैठने. तो चलिए अब अंदर चलते हैं और झूलते हैं. मजा आता है.
की शक्ल से दिख रहा है। अभी देखते हैं क्या होता है ऊपर जाके, ये तो तभी पता चलेगा। आने की हालत हम लोग की देख लीजिए, अब आने की देखते हैं कैसी होती है हालत स्पेशली जमा की। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत मजा आया, लेकिन चक्कर से आ रहे कुछ ज्यादा लग रहा है। वॉमिटिंग हुई खूब सारी, उन लोगों को देख के हम लोगों को भी कुछ हुआ, इस वजह से हालत टाइट हो चुकी है एक ही झूले में। सो गाइज, मेरा मतलब एक झूले से ही पेट भर चुका है, अब मुझे नहीं लगता। सो गाइज, मेरा एक झूले से ही पेट भर चुका है, मुझे नहीं लगता मैं अब और कोई झूला झूलूँगा हम लोग। सो अब देखते हैं अभी क्या कर रहे हैं, वो लोग तो सब लोग बिजी हैं शॉपिंग में, तो अभी मैं देखता हूँ मैं क्या करता हूँ। और झूला तो कोई मुझे नहीं लगता कि मैं झूलूँगा, तो अब क्या करें। तो आज के लिए समाप्ति, और अब चल रहे हैं घर, बहुत टाइम हो गया है तो अब मैं जा रहा हूँ घर। तो मिलते हैं घर पर। सो गाइज, मैं आ चुका हूँ घर वापस, और बड़ा मज़ा आया आज, और बड़ा मज़ेदार दिन शाम रही, दिन नहीं शाम रही, तो काफ़ी अच्छा लगा। और एक मैंने सोचा, तो यहाँ से मैं सोच के गया था कि काफ़ी सारे मतलब झूले झूलेंगे 3 साल बाद लॉकडाउन के बाद। एग्जीबिशन यहाँ पे लगी है, ये एग्जीबिशन मतलब बचपन से हम लोग इस एग्जीबिशन में जा रहे हैं, जब भी लगती थी हर साल, मतलब ये होता था कि जाना तो है तो हर साल जाते थे, तो 3 साल से मतलब नहीं लग रही थी लॉकडाउन की वजह से। सो अब लगी, मतलब अब गए हैं, लगी है तो गए हैं, तो और काफ़ी इस बार अच्छी लग रही, मतलब अच्छा लग रहा था। काफ़ी रश बहुत ज़्यादा था शायद ईद की वजह से, पर काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा। एक झूले के बाद ही फ्रिज हो गई, और हम लोगों ने कह दिया नहीं, नो मोर झूला। तो इस वजह से बस एक ही झूला झूला, और बाकी फिर हम आ गए क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, और मतलब इस वजह से घर आ गए। सो अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया, आप लोगों को भी मतलब मज़ा आया हो ब्लॉग देख के मेरा, सो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर योर रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एनी अपकमिंग ब्लॉग ऑफ माइन। और बताइए ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, चलो जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। सो बाय, खुदा हाफिज़।